जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज ये खबर सस्ते फ्लैट के झांसे से जुड़ी हुई है। बार बार समझाने के बावजूद लोग सस्ते के फेर में फंस जाते हैं। सभी ने सुन रखा है कि बैंक के पास गिरवी पड़े फ्लैट नीलामी में सस्ते में मिल जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर मुंबई में एक गिरोह ने लोगों को लालच दिया, बैंक के पास मौजूद फ्लैट की डिटेल दिखाई और उन्हें सस्ते में बेचने का भरोसा दिया और फिर करोड़ों का चूना लगाकर हवा हवाई हो गए। अब अच्छी बात यह है कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसी ठगी ना हो इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। दो जून की रोटी और चार दीवारों पर टिकी एक छत, एक आम आदमी की बस इतनी सी ख्वाहिश होती है। लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अपने घर का सपना पूरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक आम आदमी इसके लिए थोड़ा थोड़ा कर पैसा जमा करता है, चाहता है कि किसी भी तरह एक सस्ता फ्लैट मिल जाए। लेकिन सोचिए, फ्लैट के लिए मशक्कत से जोड़ा गया पैसा अगर कोई ठग ले, सस्ते फ्लैट का लालच देकर लाखों रुपए हड़प ले, तो उस इंसान पर क्या गुजरेगी। मुंबई में चार लोगों के गिरोह ने बैंक के पास गिरवी फ्लैट्स को सस्ता बेचने का लालच देकर 150 से ज्यादा लोगों को करोड़ों का चूना लगाया और इस तरह न सिर्फ उनकी जमा पूंजी लूट ली गई बल्कि घर का सपना भी चकनाचूर कर दिया। आप या आपका कोई परिचित इस झांसे का शिकार ना हो इसलिए जरूरी है इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में सस्ते फ्लैट खरीदने का लालच देकर ठगी कैसे की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक द्वारा सील किए गए फ्लैट की डिटेल निकालते थे, इसके बाद घर खरीदने वालों से संपर्क किया जाता था। जो लोग फ्लैट की इच्छा जताते उनको ऐसे फ्लैट दिखाए जाते जिन पर बैंक का नोटिस लगा होता था, जिसे देखकर लोगों को यकीन हो जाता था। इसके बाद लोग डाउन पेमेंट कर फ्लैट बुक किया करते थे, लेकिन इस तरह कई लोगों से लाख दो लाख की रकम लेने के बाद आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो जाते थे। तो इस तरह 156 लोगों से करीब 4 करोड़ की ठगी की गई। इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि जो बैंक से ऑक्शन किए जाने वाले, जो बैंक ने मॉर्गेज में लोन रीपेमेंट में पैसे दिया नहीं है, वैसे वाले जो फ्लैट्स बैंक मॉर्गेज करके उनके ताबे में लेते थे, वही फ्लैट्स ये ऑक्शन में आपको बेच देंगे। सिर्फ उनके डिटेल्स इनके पास में रहते थे, वो डिटेल्स ये कस्टमर्स को लुभा के कस्टमर्स के पास से एडवांस आपको पहले देना पड़ेगा, उस हिसाब से उनके पास से लाख रुपए, डेढ़ लाख, दो लाख रुपए उनसे लिया जाता था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक मोर्टगेज के तौर पर रखे गए फ्लैट या गाड़ी की नीलामी करते हैं। लोगों को लगता है कि ये सस्ते मिल जाते हैं और इसी सोच का फायदा उठाकर आरोपियों ने ऐसा चारा फेंका। चारों आरोपियों के गिरह होता था, इन्होंने एक बिडर्स विनर्स नाम की कंपनी खोली थी यहाँ पे, और फिर वो सब जो चारों लोग जो थे वो जो कस्टमर्स को बुलाते थे, बात करते थे उनसे और उनको कन्विंस करते थे कि हम आपको कम रेट में आपको फ्लैट दिला देंगे, तो ये चारों लोग वही काम करते थे। आरोपियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में ठगी को अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि चार लोगों के गिरोह में दो वकील हैं और एक महिला भी है। सबसे पहले हिना नाम की महिला को ही क्राइम ब्रांच ने पकड़ा और उसके बाद सभी आरोपी गिरफ्त में आ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी आरोपी नाम और पहचान बदलकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। अलग अलग नाम, अलग अलग आइडेंटिटीज यूज करते थे, अलग अलग पैन कार्ड यूज कर सकते थे, करते थे। फिर जो शोएब शेख है उसने खुद को नितिन शर्मा बताया था, खुद को प्रशांत बंसल बताया था अलग जगह पे। फिर जो हीना थी उसने खुद को अलायदा शेख बोल के यहाँ पे वसई विरार में खुद को बताया था। तो इस तरीके से झूठे नाम, झूठे पैन कार्ड देके खुद की आइडेंटिटी छुपा के ये लोगों को फंसाने का काम करते थे।
ये पूरी कहानी हमने आपको इसीलिए विस्तार से बताई कि आप सस्ती मिलने वाली किसी भी चीज और खास तौर पर फ्लैट से सावधान रहें। आपको भरोसे में लेकर आपकी जमा पूंजी उड़ाई जा सकती है, क्योंकि ठगे जाने के बाद सिवाय अफसोस करने के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आम्हाला ती सिक्युरिटी ने काय बोलला माहिती आहे की ह्या रूमला येऊन कमी 50 जण येऊन बघून गेले, काय फायदा नाही एवढं बोलले। तेव्हाच आम्हाला असं डाऊट झाला की बाबा काहीतरी फसवलं। अगर कोई बैंक फ्लैट्स की नीलामी करता है तो बकायदा विज्ञापन दिया जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो सीधे बैंक से संपर्क करना चाहिए और नीलामी की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर कोई बैंक में कॉन्टैक्ट होने का झांसा दे रहा हो तो सतर्क हो जाइए। इस ठगी से बचाने के लिए दूसरों को भी सावधान कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस तरह की ठगी नई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। ये हैरानी की बात है कि अगर आपकी जान पहचान में किसी के साथ ऐसी ठगी हो तो फिर क्या करना चाहिए। हमने बात की एडवोकेट जयदेव त्रिवेदी से। लोगों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक के डेटा में से कस्टमर्स के नंबर्स निकाले और उन कस्टमर्स को उन्होंने कॉल किया, उनको लालचे देगी कि आपको फ्लैट्स बहुत या प्रॉपर्टी बहुत सस्ते दामों में दी जाएगी, और वो देने के लालच के अंडर में उन्होंने पैसे निकलवाए और उसके बाद ना ही कभी उनको कोई प्रॉपर्टी दी गई या फ्लैट्स दिए गए जैसे वादा किया था। तो ऐसे जो कस्टमर्स है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके पास रेमेडी ये है, कानूनी तरीके से वो सेक्शन 420 इंडियन पेनल कोड के अंडर में FIR लॉन्च करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। और अगर जो पुलिस FIR दर्ज ना करे तो वो सेक्शन 156(3) के अंडर में वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वो आदेश ले सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास से कि जहां पे मजिस्ट्रेट साहब पुलिस स्टेशन को आदेश देंगे कि आप इस मामले की तहकीकात करें और जरूरत हो तो FIR लॉन्च करें।